दोस्त, अगर आप लोगों ने मेरी नियर की वीडियो देखी होगी तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि अभी नियर का जो प्राइस है वो पंप हो चुका है, अभी आपको इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं देगा नियर। पर जैसे ही यहाँ पे करेक्शन आएगा आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब हमारी एंट्री होगी या फिर मार्केट में करेक्शन होगा तब हमारी एंट्री होगी। कंपैरिजन मैंने बिटकॉइन के साथ दिया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस के पास है तो डंप होगा और उसी को फॉलो करेगा नियर का भी प्राइस, तो आपको जो डाउनफॉल है वो नियर में भी देखने को मिलता है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कहाँ आपकी एंट्री हो सकती है, क्या आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का, क्या आपका टारगेट होगा लॉन्ग टर्म का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, या फिर अगर आपने हाई प्राइस में नियर को बाय करा हुआ है तो कौन से लेवल पे आप डीसीए कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम नियर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $7 के रेंज में देखने को मिलता है, 6.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 7.04 से लेके 7.6 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, पर अभी जो नियर का प्राइस है वो अपने बॉटम के साइड में है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें ये आपको 7 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 414 मिलियन की है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब जिस हिसाब से मार्केट स्लो है, ऐसे में अगर आप नियर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने चले जाना है इसकी वेबसाइट के ऊपर और देखना है कि क्या कुछ इसका यूज़ केस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ अभी सोलाना का यूज़ होता है NFT मार्केट प्लेस में, वहीं फंक्शन पे वर्क कर रहा था नियर भी। अगर ये 2021 में सक्सेसफुली अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च कर देता तो नियर का जो प्राइस है वो ईजिली आपको 40 से 50 के रेंज में देखने को मिलता है, पर वो इनका प्रोजेक्ट अभी स्टिल पेंडिंग है। अगर इस बुल मार्केट में ये कुछ नया लेके आते हैं तो फिर से नियर में रिकवरी हो सकती है। ये सारे अपडेट आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा, इनके कम्युनिटी को अगर आप ज्वाइन करेंगे जैसे ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, तब आपको ये सारे अपडेट मिल सकते हैं। इसीलिए आपने इनकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना होता है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को समझ के उसमें पैसा लगाएंगे तो वो आपको डैम श्योर है रिटर्न देगा। अब अगर इसके हम प्राइस ग्रोथ की बात करें तो जो इसका 2021-22 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है $20 के रेंज में, पहले हम उसको टच करेंगे और उसके बाद से हम $40 से $50 के टारगेट को टच करेंगे। हम इस टारगेट के लिए अपनी बाइंग कर रहे हैं और हमें मिनिमम से मिनिमम प्राइस में इसको बाय करना है, बॉटम में बाइंग करना है ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नियर के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम नियर का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जो है ये इसके रेजिस्टेंस का है, तो आपने वेट करना है, या तो हम इसका ब्रेकआउट दें या फिर यहाँ से हम रिजेक्शन लें तब आपकी एंट्री होगी। मैंने BTC के कंपैरिजन आपको बताया था कि रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। अब आपके अगर हम एंट्री के लेवल की बात करें तो आपकी जो बाइंग है ना वो 6.6 पे पहली होगी और उसके बाद से 5.8 पे दूसरी बाइंग होगी। आपने दो पार्ट में यहाँ पे बाइंग करनी है। तीसरे DCA के लिए आपने लेवल रखना है 4.8 का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या 4.8 का लेवल मिलने वाला है? नहीं, आपको दो लेवल मिलने वाले हैं। आपने यहाँ पे पार्शियल एंट्री लेनी है और लेवल इस तरह से हम मार्क करते हैं कि रिकवरी यहाँ से भी हो सकती है, रिकवरी यहाँ से भी हो सकती है। तो ऐसे में 40% हम यहाँ बाय कर लेते हैं, 40% यहाँ बाय कर लेते हैं, या 30% यहाँ बाय कर लेते हैं, 30% यहाँ बाय कर लेते हैं और 40% बॉटम में बाइंग करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे कितनी बाइंग के लिए आपके पास कैपिटल है। फिलहाल आपको लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं। पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है ये असेंडिंग फॉर्म हो रहा है। जैसे हम इस ट्रेंड लाइन के टच में आएंगे आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो बेस्ट है यहाँ बाइंग कर लें और दूसरी बाइंग यहाँ पे कर लें। तीसरी के लिए आपने कैपिटल रखना है। अभी भी स्टिल हमारी कैंडल्स 200 EMA के ऊपर हैं, तो रिकवरी हो सकती है यहाँ ट्रेंड लाइन के पास ही आके, क्योंकि इसी लेवल पे हमारे 200 EMA का सपोर्ट भी आएगा। मार्केट में अभी वॉल्यूम कोई खास नहीं है तो ज़्यादातर चांसेस है मार्केट में डाउनफॉल के। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सिमिलर ही मैंने पैटर्न आपको बताया था। जैसे आपको 4 आवर पे देखने को मिलता है वैसे ही आपको डेली पे देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क करा हुआ है, हम इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आएंगे। आपको मैंने एंट्री का लेवल बता दिया है, कहाँ कहाँ आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे मैंने सिनेरियो उस वीडियो में आपको बताया था, एज इट इज़ मूवमेंट दे रहा है अभी नियर,
तो आपको यहाँ पे डिप में अपनी बाइंग करनी है। और ये जो आपकी बाइंग है ना, ये आपको टारगेट दे सकती है यहाँ से $9 की, $12 के, $15 के सेफर साइड में। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम 2021-22 वाले अपने ऑल टाइम हाई को टच करेंगे और उसके बाद से 40 से $50 के रेंज को टच करेंगे। पर ये जो मूवमेंट होगा ना, ये थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि जो समर का मूवमेंट होता है ना, इसमें मार्केट में वॉल्यूम कम होती है। मार्केट में जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको किसी भी कॉइन या टोकन में पंप और डंप वाली हैवी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि हमने पहले देखा है। अब हम ऐसे ही मूवमेंट देंगे अपने सितंबर तक, उसके बाद हम धीरे धीरे रिकवरी के साइड में मूवमेंट देंगे और 25 बुलिश मार्केट रहने वाला है। तो जो भी आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसके लिए कर रहे हैं। मैं अब लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा कल से, तो उसमें अगर आपको कुछ सीखना है या फिर आपको नहीं पता फंड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं या फिर ट्रेड हम कैसे लेते हैं, फ्यूचर ट्रेड किनको करना चाहिए या स्पोर्ट की बाइंग किनको करना चाहिए, तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे करता हूँ। इवनिंग या आफ्टरनून का मैं कोई टाइम सेलेक्ट करूँगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम में पास आउट कर दूँगा। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो ज्ञान वाले चैनल पर हैं तो आप मेरे मेन चैनल प्रॉफिट फर्स्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं BTC इथेरियम का अपडेट देता हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।